अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है। हमने अभी रिसेंटली चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक उसको कंप्लीट किया, उसके सारे टॉपिक को पढ़ा है। उसकी जो पूरी प्लेलिस्ट है उसकी डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे रहा हूँ और साथ इधर पिन भी आ रहा होगा आपके सामने। तो आज हमारी उसकी कुछ एग्जांपल्स रहती थी जो कि हमने अलग से उन्हें सॉल्व करना है, ठीक है। इस चैप्टर में टोटल 7 एग्जांपल्स हैं, उन 7 एग्जांपल्स को मैं इधर वन बाय वन रीड करूंगा और साथ सॉल्व करूंगा, उसके कंसेप्ट आपको दूंगा कि कौन से टॉपिक से वो एग्जांपल उठाई गई है, ठीक है। और साथ ही साथ आप अपनी बुक खोल लेंगे, कोई भी की बुक जो आपके पास है या जो आपके पास यानी कि टेक्स्ट बुक है उसे खोल लेंगे, तो साथ साथ आप उधर भी देखेंगे और इधर हम कंसेप्ट भी समझेंगे। तो इधर लिख लेते हैं दी एग्जांपल्स ऑफ चैप्टर। चैप्टर 12 इलेक्ट्रो स्टैटिक्स। तो इसकी पहली एग्जांपल थोड़ी कम्प्लेक्स ही है वेक्टर्स की शक्ल में, तो वो ज़रा समझ लो। वो कहता है कि टू चार्जेस Q1 100 माइक्रो कूलम एंड Q2 50 माइक्रो कूलम आर लोकेटेड इन XY प्लेन एट पोजीशन R1 इज इक्वल टू 3.0J एंड R2 इज इक्वल टू 4.0I रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो पहला उसको पहला अलॉट किया गया और जो दूसरा उसको दूसरा अलॉट किया गया। पहला मीन Q1 है तो उसको R1 अलॉट किया गया, Q2 दूसरा है तो दूसरे को R2 अलॉट किया गया। वेयर आर द डिस्टेंस आर मेजर्ड इन मीटर, कैलकुलेट द फोर्स ऑन Q2। Q2 पे आपने फोर्स कैलकुलेट करके देनी है। तो सबसे अच्छा Q1 पे भी यही होगी, अमाउंट यही होगी, बस डायरेक्शन का फर्क होगा। तो सबसे पहले तो हम भाई साहब ये ड्रा कर लेंगे हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। इस सिस्टम में भाई साहब इसको हम एक्स बोलते हैं और इसको Y बोलते हैं और इसको ओरिजिन बोलते हैं। यहाँ पर एक चार्ज रहते हैं भाई साहब जिसका नाम है जी Q1 और उसकी अमाउंट है जी 100 माइक्रो कूलम, और एक इधर चार्ज रहता है जी जिसकी अमाउंट जिसका नाम है जी Q2 उसकी अमाउंट है जी 50 माइक्रो कूलम। इसका यहाँ से जो पोजीशन वेक्टर बनता है वो बनता है जी आपके पास R1 3.0J, और इसका जो यहाँ से पोजीशन वेक्टर बनता है ओरिजिन से यूं उसका नाम है जी R2, वो है जी 4.0I है, ठीक है। तो आपने Q1 से Q2 पर फोर्स निकालनी है, तो ये आ जाएगी फोर्स, ठीक है। तो ये जो फोर्स है ये अब आपने कैलकुलेट करनी है। तो अब मुझे पता है कि ये एक आगे है एक पीछे है, तो अब इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है उसे कैलकुलेट करने के लिए मैं इस पर लगाऊंगा हेड टू टेल रूल। अब एक चीज़ लेफ्ट राइट पर है, एक चीज़ राइट साइड पर, तो मुझे इनके दरमियान का मीन डिस्टेंस चाहिए। तो मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा कि भाई जो R21 होगा वो किसके बराबर होगा, R2 में से R1 को माइनस कर दो। तो R2 में से R1 को आप माइनस करें तो क्या आंसर बनेगा, R2 क्या है 4.0I हेड माइनस 3.0J हेड, तो ये आपके पास आ जाएगा R21, ठीक है। तो अगर हम वेक्टर्स के लिए आज से देखें तो भी यही बनेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, R2 को रखना है, R2 ये रख, इसमें आपने R1 को ऐड करना है नेगेटिव करके। तो R1 ऊपर की तरफ है तो वो पॉजिटिव है, R1 नीचे की तरफ क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो ये हेड टू टेल रूल से मैंने इन्हें ऐड कर दिया। ये है जी आपका R, क्या कहते हैं इसका नाम क्या था, R2, और ये है जी R1 लेकिन नेगेटिव का। अब इन्हें ऐड करेंगे तो इनका रिजल्टेंट कुछ यूं ही बनेगा, ये यूं, ये देखें जी ये रिजल्टेंट वही बना जो एग्जैक्टली हमारी फोर्स में बना जिसका नाम है R21 बराबर है R2 माइनस R1। तो वही डायग्राम वही वैक्टर्स बने आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा जी मेन वैक्टर जो इन दो हमारे पास चार्जेस के दरमियान में है, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर में भी आपने इस तरह का न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल है चैप्टर 2 का वो किया था। अच्छा खैर हम सॉल्व करते हैं, तो हमारा मकसद है फोर्स। तो फोर्स जो होगी यानी कि 2-1 वो हमारे पास आ जाएगी, फोर्स 2-1 आ जाएगी 1/4πε0 Q1 Q2/R21 का स्क्वायर, दिस इज जस्ट स्केलर वैल्यू, और यहाँ पर इसका यूनिट वेक्टर जिसका नाम है 2-1 यूनिट वेक्टर। तो अब सबसे पहले तो यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करते हैं, तो यूनिट वेक्टर को मैं इधर कैलकुलेट करूँगा। तो यूनिट वेक्टर जो होता है जी वो बराबर होता है 2-1 वेक्टर 2-1 डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हम वेक्टर का मैग्नीट्यूड इधर निकाल लेते हैं। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो सबसे पहले इसके फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर, तो आंसर विल बी 16+9 माइनस जो है -3 इसका स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाता है, तो कितना बचेगा 25 अंडर रूट और आंसर विल बी 5। तो दिस इज़ दी मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब है कि ये यूनिट वेक्टर किसके बराबर है, 4.0i माइनस 3.0j डिवाइडेड बाई 5। तो ये हमारे पास आ गया जी यूनिट वेक्टर। अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो
एफ टू वन इज इक्वल टू, ये आपको पता है k के बराबर होता है, तो इसकी वैल्यू थी 9 × 10⁻¹, ये था 100 × 10⁻¹, ठीक है। और q2 था 50 × 10⁻¹ डिवाइडेड बाई, ये पूरी टर्म को लिख लो या इसको लिख लो, इतने को कोई इशू नहीं है, ये था इसका स्क्वायर। तो r21 किसके बराबर आया, 5 के, तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 25। चलो आप इस फॉर्म में लिख लेते हैं 25 का स्क्वायर, और इधर इसकी वैल्यू अब आप लिखोगे 4i − 3j/5, ठीक है। अब आपके लिए बड़ी आसान सी टेक्निक मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपने इधर अप्लाई करनी है, तो बड़ा आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। आपने इसको इसको और इसको देखना है जस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखो 9, ये देखो जी 10⁻¹, ये 20 इसमें से माइनस हो जाएंगे, तो इधर बचेंगे आपके पास माइनस, कितना बचेगा -4 बचेगा, कैसे देखें, (5 × 10⁻¹ 9) +2 − 6 + 1 − 6। तो अगर आप इन सबको करो सॉल्व तो आपका आंसर क्या बनेगा, तो देखो 10 और 2 12 और 12, तो ये आ जाएगी 10⁻¹ 0। ओवर क्या आ जाएगा, ओवर आपके पास आ जाएगा 25, और इधर ये जो बची थी ये आ जाएगी 4i − 3j/5, यही बचेगा। ये सारी वैल्यूज आपस में कट हो जाएंगी, तो 10⁻¹ 0 बचेगी, 5 और ये 5, तो आ जाएगा 9/5 × 10⁻¹ 0 × 4i − 3j/5, ठीक है। तो ये आप अपनी मैथमेटिक्स अपने तरीके से कर सकते हो, सबको ज़रब दे के 25 पे डिवाइड करके, 5 पे डिवाइड करके, तो ये आपकी अपनी साइकी है, जैसे आपका दिल करे आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं, मुझे ये तरीका आसान लगता है, तो मैंने अपने तरीके से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अच्छा अब मैं ये ऊपर वाला ज़रा इस साइड पे, चलो हम कर लेते हैं, इस साइड पे बना लेते हैं, इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो अब ये आ जाएगा 9/45 × 4i − 3j। आपने इस चीज़ को सॉल्व कर लेना है, इसका आंसर आई थिंक बनेगा 0.0 something ऐसे करके आ जाएगा कुछ, तो वो जो आंसर इधर बुक ने लिखा हुआ है जो भी वो आ जाएगा, आपने उस आंसर को इधर लिख लेना है, ठीक है। वो कोई भी आंसर है उसको पहले आपने 4 से मल्टीप्लाई करना, तो जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 4i, माने जब उसी आंसर को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा जी। तो इसका मतलब है कि ये वो फोर्स है जो लग रही है Q2 पे Q1 की तरफ से, समझ आ गई, दिस इज दी फोर्स जो लग रही है यहाँ से। तो अब हमने इसकी अमाउंट को भी कैलकुलेट करना है, मीन्स के इस फोर्स का क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, ये हमें हमारे पास क्या आ गया, फोर्स का वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड के लिए हम वही रूल लगाएंगे जो अभी लगाया, क्या ये वाला, तो मैं कहूँगा कि भाई मैग्नीट्यूड 2 1, ये डंडे लगा लेते हैं मैग्नीट्यूड के लिए, 1.44 का स्क्वायर +-1.08 का स्क्वायर। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, ये मैं कैलकुलेटर पे आप खुद कर सकते हो, मैं आपको नहीं करके दूंगा, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, दोनों को जमा करो, उसका अंडर रूट ले लो, तो आंसर आएगा 1.8 न्यूटन। तो इट मींस कि ये कितनी फोर्स लगा रहा होगा, 1.8 न्यूटन। लेकिन अब हमें फोर्स के साथ साथ क्या चाहिए, इस वैक्टर की डायरेक्शन, तो डायरेक्शन को भी समझना अब हमने। तो आपको पता है डायरेक्शन के लिए एक सिंपल सा जुगाड़ होता था जी हमारे पास, वो जुगाड़ क्या था, वो ये था कि जो डायरेक्शन के लिए आपके पास जो थीटा होता है वो होता है टेन इनवर्स वाई कंपोनेंट ओवर एक्स कंपोनेंट। टेन इनवर्स वाई कंपोनेंट है जिसका -1.08 और एक्स कंपोनेंट है जी 1.44। जब आप इसको सॉल्व करोगे -5 चला जाएगा, इसको सॉल्व करोगे टेन इनवर्स लोगे तो आंसर आ जाएगा 37 डिग्री विद एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है -37 डिग्री। तो इसको मैं अभी प्रूफ भी कर देता हूँ, ये देखो जी आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया, क्या ये फोर्स ऊपर से नीचे आ रही है, हमने कहा भाई आ रही है। तो अगर इधर इसे ड्रा करना हो, इस पॉइंट को अगर ओरिजिन पे रखें तो इसको ड्रा करना हो, तो इसको ड्रा करने के लिए मैं कैसे ड्रा करूँगा, कुछ यूँ ड्रा करूँगा, क्या ये दोनों सेम है, और इसका जो इधर से एंगल होगा वो कितना होगा 37। चूँकि ये क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज के लिए फिर एंगल कैसा हो जाता है नेगेटिव, तो इसलिए नेगेटिव आया हुआ है। अगर मैं कहूँ कि भाई इसका एंटी क्लॉकवाइज एंगल कितना है, जो कि हमारा पॉजिटिव एंगल होता है, तो वो कितना होगा, आपको कहोगे सर जो इसका एंगल होगा वो होगा 360, टोटल में से आप किसको माइनस कर दोगे 37 को, तो लेट्स सपोज आप इसमें से माइनस कर दो तो ये आ जाएगा
3 2 3। तो यहाँ आप ये लिख सकते हो, यहाँ आप -37 लिख सकते हो, कोई भी एक एंगल आप लिख सकते हो। ये थी आपकी एग्जाम्पल 1 जो कि कूलम ला के टॉपिक से लिखी है। तो कूलम ला के फौरी बाद ही एग्जाम्पल आती है, ठीक है जी। अब आ जाए जी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 की जान। इसमें 3 एग्जाम्पल तो इंतहाई आसान, बल्कि 4 एग्जाम्पल इंतहाई आसान है, जो कि MCQs के तौर पर भी आती रहती हैं बोर्ड में, आपके एंट्रेंस एग्जाम में, कंसेप्ट के तौर पर भी एंट्रेंस एग्जाम में आती रहती हैं। उनको बड़े अच्छे से आपने समझ लेना है। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 2, टू पॉजिटिव चार्जेस Q1 इज इक्वल टू 16 माइक्रो कूलम एंड Q2 विच इज इक्वल टू 4 माइक्रो कूलम आर सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस ऑफ 3.0 मीटर एज चार्जेस वैन वैन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अच्छा, ये बड़ा मज़े का सवाल है, तो इसको मैं इधर सॉल्व करता हूँ, इसको साथ आप समझेंगे भी। ये भाई हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक के नेक्स्ट जो है ना, वहाँ से लिया गया है। वो कहता है जी दो चार्जेस हैं, एक चार्जेस ये रहा, इसकी अमाउंट है जी 16 माइक्रो कूलम, आई थिंक यही है Q1, ठीक है जी, इसका नाम है जी Q1, 16 माइक्रो कूलम। और एक इधर चार्ज रहता है जिसका नाम है जी Q2, वो है जी 4 माइक्रो कूलम, ठीक है, 4.0 मीन 4 माइक्रो कूलम। इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो है जी 3 मीटर का, ठीक है। अब मुझे पता कि ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। और मुझे ये भी पता है कि अगर दो पॉजिटिव इक्वल अमाउंट के हो तो उनके सेंटर पे न्यूट्रल जोन होती है। तो इसका मतलब है कि अगर दोनों इक्वल नहीं है तो इनमें से एक बड़ा एक छोटा, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं तो न्यूट्रल जोन एग्जिस्ट करेगी। क्यों? क्योंकि इसकी फील्ड दूर आते आते कम हो रही है, और इसकी फील्ड क्योंकि ये इसके करीब आ जाएगा तो इसकी एक ऐसी जगह पर इतनी फील्ड बनेगी जहाँ पर इसकी दूर आते हुए फील्ड इतनी वीक हो जाएगी, दोनों फील्ड इक्वल इन अमाउंट हो जाएंगी ऑपोजिट डायरेक्शन, तो नेट आंसर 0 बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर न्यूट्रल जोन क्रिएट होगी। तो क्वेश्चन भी यही है कि आपने बताना है कि न्यूट्रल जोन इनके दरमियान में कहाँ पर होगी। सपोज कर लो, लेट ये एक पॉइंट है पी, और यहाँ पर न्यूट्रल जोन है। इसका इधर से जो डिस्टेंस है वो है जी एक्स, तो इधर से कितना होगा, इधर से कितना होगा, इधर से होगा 3 माइनस एक्स, इधर से इधर तक होगा 3 माइनस एक्स, और इधर से एक्स, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को जमा करो 3 माइनस एक्स प्लस एक्स, तो आंसर आपका वापस कितना आ जाएगा, अगेन आंसर आपका कितना बन जाएगा 3, ठीक है। इनके दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक वो है 3 मीटर, ठीक है। तो अब आपने ये एक्स को कैलकुलेट करना है कि ये एक्स कितना होगा। तो हमें पता है कि यहाँ पर इन दोनों की फील्ड एक दूसरे के बराबर हो जाती है, तो E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0, तो E1 इज इक्वल टू E2, यही होगा। अच्छा, अब दोनों की फील्ड एक दूसरे के बराबर हो गई है, तो आप इन्हें जस्ट मैग्नीट्यूड में भी डील कर सकते हो, क्योंकि हमें जस्ट वैल्यू चाहिए। तो हम जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैं इधर कहूँगा भाई E1 इज इक्वल टू जस्ट E2 E2, क्योंकि वेक्टर्स ऑलरेडी कट रहे होंगे। तो E1 की वैल्यू इधर लिखते हैं जी, E1 है जी 1/4π Q1/r1² ये आ जाएगा 1/4π ε0 Q2/r2² ये फैक्टर इससे काट गया तो क्या बचा Q1/r1 और r1 कितना है 3 माइनस x² और Q2 ये कितना है जस्ट x का, क्योंकि इसका इधर से x फासला और इसका 3 माइनस x। इसकी वैल्यू है जी 16 × 10⁻⁶ ओवर 3 माइनस x² इधर आ जाएगा 4 × 10⁻⁶ ओवर x² ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इधर 4 तो क्या बचा 4/3 − x² और 1/x². तो इसको दो तरीकों से कर सकते हैं, या तो आप अभी से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो ये फैक्टराइजेशन के मेथड में चला जाएगा, या टेकिंग बोथ साइड पर आप अंडर रूट ले लो। जब आप अंडर रूट ले लोगे तो वैल्यू प्लस माइनस में आती है, लेकिन मैं इधर लिखूंगा 2 − 3 − x, क्योंकि अंडर रूट नीचे वाले ऊपर भी आ जाएगा एक अंडर रूट और एक यू नीचे आ जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह एक अंडर रूट ऊपर आ जाएगा और एक अंडर रूट नीचे, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बचेगा 1/x, ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 3 − x, x उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो इम्प्लाइज डैट 3x इज इक्वल टू 3 ऑल्सो इम्प्लाइज डैट x इज इक्वल टू 1, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है 1। तो इसका मतलब है कि यहाँ से ग्रीन से करते हैं भाई, से यहाँ तक 1 मीटर होगा और यहाँ से यहाँ 3 − x मीन 2 मीटर होगा, तो अगेन ये तो इसका मतलब है कि जो Q2 है वहाँ से 1 मीटर का फासला बन रहा होगा और Q2 से
2 मीटर का फासला बनना होगा, जहाँ पर दोनों की फील्ड बराबर और ऑपोजिट डायरेक्शन होती है तो वहाँ पर न्यूट्रल जोन क्रिएट हो जाती है। ठीक है जी, ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर एग्जाम्पल नंबर 2। अब आ जाओ जी आपकी एग्जाम्पल नंबर 3 पर। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें कहता है कि टू पॉइंट ऑपोजिट पॉइंट चार्जेस ईच मैग्नीट्यूड क्यू आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2d। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी मिडवे बिटवीन देम। दोनों का दो हमारे पास चार्जेस हैं, एक ये है और एक ये है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्यू है, बट मजे की बात यह है कि एक प्लस का और दूसरा माइनस का। ठीक है जी, इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो है जी 2d। तो इधर तक जो इसका डिस्टेंस बनेगा इधर से वो d बनेगा, और इधर से इधर तक इसका जो डिस्टेंस बनेगा वो भी d बनेगा। देखो ना, मैं कहता हूँ कि यार आप कैमरे के और मेरे दरमियान में 2d का फासला है, तो हमारे सेंटर में कितना होगा, मेरे से यहाँ तक d होगा और आपसे वहाँ तक भी सेंटर में d होगा। ठीक है, तो अब आपने बताना है कि इनके दरमियान में पोटेंशियल कितना होता है। तो हम सबसे पहले पोटेंशियल लिख लेते हैं क्यू इस वाले भाई साहब का, ये जो जिसका नाम है हमारे पास क्यू। ठीक है, इसका पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव का इधर पोटेंशियल लिख लेते हैं। तो अभी आपने एब्सोल्यूट यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज लिखा, तो आप समझो ये है ही नहीं, ये बंदा रहता ही नहीं था। आपने बस इसका इस पॉइंट का नाम ना लेते हैं कि पी तक इसका पोटेंशियल बताना, तो आपको सर फार्मूला था हमारे पास जनरल 1/4πε0 qr। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैं लिखूँगा वी पॉजिटिव इज इक्वल टू 1/4πε0 qr की जगह क्या आ जाएगा d। तो मैं कहूँगा इसका कितना होगा, अब इसको इग्नोर करो, तो आपको सर इसका होगा -1/4πε0, चूंकि चार्ज माइनस का तो -q/d। लेकिन मुझे तो इनके दरमियान एग्जैक्टली पॉइंट पी पर चाहिए, तो मैं कहूँ पॉइंट पी पर जो टोटल पोटेंशियल होगा आपको सर प्लस ऑफ माइनस, यानी कि दोनों का पोटेंशियल प्लस वाले का और माइनस वाले का। तो प्लस वाले का अगर मैं पुट करूँ तो आ जाएगा 1/4πε0 q/d माइनस 1/4πε0 सॉरी प्लस -q/d। ये माइनस इधर आकर आ जाएगा, तो ये पूरी रकम यानी कि जो वैल्यू है इसमें से माइनस हो जाएगी, तो आंसर कितना बनेगा 0 वोल्ट। इसका मतलब है कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऑपोजिट थे। तो ये MCQs भी आता होता है कि दो अगर ऑपोजिट चार्जेस हों और इक्वली इन अमाउंट है तो उनके दरमियान में पोटेंशियल कितना होगा, तो ओबियसली उनके दरमियान में पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0। फील्ड 0 नहीं होगी अगर दोनों ऑपोजिट हुए, फील्ड सिर्फ सिमिलर में फील्ड 0 होगी, ऑपोजिट में फील्ड 0 नहीं होती है। ठीक है जी, ये था आपकी एग्जाम्पल नंबर 3। अब आ जाएंगे एग्जाम्पल नंबर 4 पर। एग्जाम्पल नंबर 4 आपके पास इसके नेक्स्ट टॉपिक है जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वहाँ से आई है, और उस एग्जाम्पल को MCQs में बहुत बार रिपीट किया जाता है, कभी कभी शॉर्ट में भी आती है, लेकिन अगर एंट्रेंस की बात करें तो एंट्रेंस में जाहिर सी बात है इसलिए MCQs होते हैं, तो MCQs के सेंस में आती है, बड़ी मजे की। वो कहता है पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन फास्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 वोल्ट, कैलकुलेट द एनर्जी एक्वायर्ड बाई इट। ठीक है, फॉल्स थ्रू, अच्छा तो हमने बताना है कि एक हमारे पास भाई एक छोटा इलेक्ट्रॉन रहता है, तो वो कहीं से आ रहा है या जा रहा है, जो भी कर रहा है या जितनी एनर्जी उसने गेन की, तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान में, लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, और इनके दरमियान में कुछ ना कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस है, तो जब वो इधर से मूव करेगा और उसके ऊपर चार्ज कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपने बताना उसने कितनी एनर्जी गेन की या लॉस की। तो हमें पता है कि अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस और 1 इलेक्ट्रॉन जाए तो उसने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गेन की या लॉस की, लेकिन अब 2 है तो 2 ने जो पोटेंशियल जिसमें से गुजरना है, तो उस वक्त पोटेंशियल का डिफरेंस कितना दे दिया उन्होंने 3 वोल्ट, और जो अमाउंट ऑफ चार्ज है क्यू वो कितना दे दिया 2 इलेक्ट्रॉन, चार्ज पार्टिकल लिखा हुआ बस उसने, और उसके ऊपर प्लस 2 यानी कि 2 ही हमारे पास अमाउंट है, तो वो फॉल कर रहा है ऊपर से नीचे, तो जितनी उसने एनर्जी लॉस की गेन की इसको आप इग्नोर करो, तो आपने बस एनर्जी निकालनी है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क के सेंस में आप कह सकते हो जितना वर्क और वो क्या होता है डेल इन टू, ये कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, ये कितना है 3 वोल्ट, तो आंसर विल बी 6 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एग्जामिनर आपकी वैल्यू को अप डाउन चेंज कम ज़्यादा करके किसी भी सेंस में आपको ये दे सकता है, तो ये अब आपने घबराना नहीं है, आपको बड़ी आसानी से आप इसे सॉल्व करोगे और फिर इसको
मल्टीप्लाई करके जैसे सॉल्व कर लोगे। अब आपको ये भी पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.61 × 10⁻¹⁹ जूल्स। तो अगर मैं कहूँ कि भाई 6 है तो फिर 6 में कितनी एनर्जी जूल्स में होगी, 6 × 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू, तो 6 × 1.61 × 10⁻¹⁹ जूल्स। तो ये आंसर मैं इधर बुक से देकर लिख देता हूँ, 9.6 × 10⁻¹⁹ जूल्स। इसका मतलब है कि इतनी एनर्जी उसने एक्वायर की होगी। ठीक है, लॉस भी हो सकती है एक्वायर भी हो सकती, उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, बस आपने सिर्फ ये देखना है कि कितने चार्ज है और कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है, तो उसको जस्ट आपने मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं आपको कहूँ भी 10 इलेक्ट्रॉन है और 3 वोल्ट के पोटेंशियल से जा रहे हैं, तो सीधा सा 10 × 3 कितना आ जाएगा आंसर, 30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी, ये थी एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 बड़ी मज़े की है। वो कहता है मिलिकन का नाम तो सुना हो, मिलिकन, इन मिलिकन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट एंड आयल ड्रॉप मैस, मैस दे दी है। अच्छा, बड़ी बेहतरीन ये प्रैक्टिस होती है कि डाटा साथ के साथ लिखें। क्या है जी, 4.9 × 10⁻¹⁹ kg। अच्छा, आगे इज बैलेंस एंड हेल्ड स्टेशनरी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, यानी कि ये मिलिकन उसने लिया है, वो कहता है कि ये हमारे पास कोई पार्टिकल है जिसका मैस इतना है, इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टेशनरी हमने रुकवा दिया है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही थी और नीचे इसका वेट लग रहा था, फोर्स। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये रुका हुआ है। तो आगे, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज, प्लेट के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है पी डी, यानी कि डेल्टा वी, या जस्ट वी कह लो क्योंकि वी भी कहते हैं इसे, डेल्टा वी भी कहते हैं। तो वी कितना है हमारे पास, फार्मूले में चूंकि हमारे पास वी लिखा होता है ना, डेल्टा वी नहीं लिखा होता, 450 वोल्ट्स। ठीक है, एंड द स्पेसिंग बिटवीन डैम इज, यानी कि वो जो डिस्टेंस है जो उन दो प्लेट्स के दरमियान में है, डिस्टेंस डी, वो कितना है जी, उसने 5.0 mm। तो इससे पहले कन्वर्ट कर लें, 5 × 10⁻³ meter। अच्छा, आगे कैलकुलेट द चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट, चार्ज बता दें जी, और जी ग्रेविटेशनल एक्सेलेशन विच इज जी इज 9.8 meter per second। अच्छा, न्यूमेरिकल में एक चीज़ याद रखो भाई कि जब भी न्यूमेरिकल करो उसके अंदर अगर कोई कांस्टेंट यूज़ हो रहा है तो वो कांस्टेंट आपके डाटा का हिस्सा है। अच्छा, इसके लिए फार्मूला हम क्या लगाएंगे भाई, फार्मूला है, हमने पढ़ा था Q=mgd/V, ये पहला ही फार्मूला है और ये बड़ा आसान है क्योंकि मिलिकन्स के अंदर हमने m को फाइंड करने के लिए बड़े रोले, बड़ी मुशक्कत की थी, लेकिन इधर हमें मैथ ऑलरेडी उसने प्रोवाइड कर दिया, तोल के दिया हुआ, तो बस हमने पुट करनी वैल्यूज, 4.9 × 10⁻¹⁹, 9.8 d, 5 × 10⁻³ / 750। ठीक है, तो आपने जस्ट वैल्यूज को लिखना है विदाउट देयर यूनिट्स, लिखने के बाद इधर जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा 3.2 × 10⁻¹⁹ −19। ठीक है, तो कैलकुलेटर पे आप कर सकते हो ये। ठीक है, ये अब आप लोगों ने खुद करना होता है। तो इतना चार्ज है और ये किसके बराबर है, क्यों, तो आपको अगर यूनिट भूल जाएंगे यार इधर क्या यूनिट बनेंगे, तो इनको खपने ना लग दो, लेफ्ट साइड देखो, लेफ्ट साइड पे चार्ज है तो चार्ज के यूनिट क्या होते हैं, कूलम, तो जस्ट सिंपली आपने कूलम शेप देना है इधर। ठीक है जी, ये था आपका न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नंबर 5। लास्ट हमारे पास है जी लास्ट वाली जो है, ये शॉर्ट में भी आती है, एमसीक्यूज में भी आती है, डिफरेंट अंदाज में आती है, तो मैं पहले करता हूँ सॉल्व फिर इसे कहते हैं। तो इसमें अब बस आपने प्रूव करना है, प्रूव डैट T=RC। तो T=RC, तो ये आपने लास्ट टॉपिक पढ़ा था ना, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, तो उसके अंदर वो कहते थे कि RC का जो प्रोडक्ट है वो टाइम देता है 63% कितना चार्ज होगा, इनके टाइम कॉन्स्टेंट। तो अब आपने ये प्रूव करना है, तो आप इधर ले लेंगे जी राइट हैंड साइड ले लेंगे इधर, विच इज इक्वल टू R and C। वी नो डैट V इज इक्वल टू IR, इम्प्लाइज डैट R इज इक्वल टू V/I। ठीक है, वी ऑल्सो नो डैट Q=CV फ्रॉम कैपेसिटर। ये जो V=IR है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हमला, तो यहाँ से हमारे पास C जो है वो बराबर आ जाएगा Q/V। तो आप ज़रा पुट करें R की जगह, तो R की जगह क्या आ जाएगा V/
आई, और सी की जगह आ जाएगा क्यू बाई वी, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा क्यू बाई आई। वी ऑल्सो नो डैट आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, इम्प्लाइज डैट क्यू इज इक्वल टू आई क्रॉस टी। तो इधर पुट करें क्यू की जगह, तो आई क्रॉस टी डिवाइडेड बाई आई, इससे कैंसिल आउट हो गया टी, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये तो लिखना होता है ना, फिर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है जी। अच्छा, तो एमसीक्यूज कैसे आता है? एमसीक्यूज आता है कि भाई प्रोडक्ट ऑफ आर एंड सी एज द सेम यूनिट एज डैट ऑफ टाइम, ठीक है, या ऐसे आता है आर एंड सी का जो प्रोडक्ट है इसके यूनिट क्या होते हैं, सेकंड, जाहिर सी बात है टाइम है, टाइम की यूनिट सेकंड है, या वो कहता है कि आर एंड सी एज द सेम डायमेंशन एज डैट ऑफ टाइम, ठीक है, या आर और सी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के बराबर होते हैं टी। तो ये मल्टीपल आपको मैंने बता दिए हैं क्वेश्चन जो कि एंट्रेंस एग्जाम में या हमारे पास इधर एमसीक्यूज के तौर पर आते हैं, ठीक है जी। ये थे आपके 6 एग्जांपल्स, इसके अंदर किसी को मसला मसाइल दुख तकलीफ कोई भी मसला है तो वो आप कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, थैंक यू।